हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवयानी चौबे। आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस ने अपना पिछला मैच सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेला था, जहां पर केवल 150 रन बनाने के बावजूद मुंबई इंडियंस को 13 रनों से शानदार जीत मिली थी। इस जीत के बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा काफी निराश दिखाई दिए। इस वीडियो में हम रोहित का पूरा इंटरव्यू बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप अभी माई 11 सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपये का बोनस मिलता है। और साथ ही साथ यहां पर सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, राशिद खान जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी टीम बनाते हैं। यदि आपकी टीम इन दिग्गजों की टीम को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज़्यादा कैश। और अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप करते हैं तो आप जीत सकते हैं 2 करोड़ रुपए। काफ़ी सारे लोग यहां से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। यहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलने वाला है। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी बार भी एक कम स्कोर के बाद जीत दर्ज करते हुए दिखा दिया है कि इस टीम के पास गेंदबाजों की कैसी खेप है। 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 137 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई ने सामूहिक प्रयास करते हुए यह जीत दर्ज की। कप्तान रोहित शर्मा ने इस जीत के बाद कुछ बड़ी बातें कही। रोहित ने कहा कि गेंदबाजी इकाई की ओर से यह एक बेहतरीन प्रयास था। हमें पता था कि यह आसान नहीं होगा। इस पिच पर जब आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, यह आसान नहीं है। मुझे लगा कि इस पिच पर एक अच्छा स्कोर है। आपने दोनों टीमों को पावर प्ले को भुनाने का प्रयास करते देखा। मुझे लगता है कि हम बीच के ओवर में बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे। मुंबई इंडियंस के कप्तान ने यह भी कहा है कि इन सभी लोगों ने इस तरह की पिचों पर काफ़ी क्रिकेट खेला है, कुछ सुधार के लिए क्षेत्र है। मुझे लगता है कि पिच धीमी और धीमी हो गई। राहुल अपने 4th ओवर में गेंद घुमा रहे थे, जो 12वां या 13वां ओवर था। मुंबई में ऐसा नहीं होता है। साथ ही गेंद भी रिवर्स हो रही थी, धीमेपन से बल्लेबाजों को खेलने में दिक्कत हो रही थी। रोहित शर्मा ने आगे कहा है कि एक सेट बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए जो मैच को आगे तक लेकर जाए, जो यहां खेल रही सभी टीमों के लिए नहीं हो रहा है। पोलार्ड ने पिछले सालों में हमारे लिए पीछे रहकर ऐसा किया है, हमें उन पर भरोसा है। यह सब उन्हें बीच में थोड़ा समय मिलने पर है। हमारी फील्डिंग वास्तव में आज रात अच्छी थी। यही कुछ है जिस पर हम गर्व करते हैं, वो रन आउट और कैच। आईपीएल में आपका खिलाड़ी कौन सा है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।